ये बोलना पहले मैं दस दिन अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस खालिद सदन शादी ट्रैवल चौ सदन शाह से। आज हमारा ग्रुप अलहमदिल्ला उमरा शरीफ के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें ज़िला चकवाल के एक नाथ खान जनाब वाकफ जवेद साहब वो काफिले के हमराह हैं। और ये काफिला अलहमदिल्ला इस्लामाबाद से जद्दा की डायरेक्ट फ़्लाइट है और नज़दीक तीन रहायशों के साथ इनका पैकेज है। और इन्होंने 21 दिन का ग्रुप वहाँ पर ये स्टे करेगा। अलहमदिल्ला सदन शाही ट्रैवल चौ सदन शाह में अरसद रास है, उम्रे का काम करने का शर्फ रखता है। और अलहमदिल्ला हम यहाँ से चौ सदन शाह से एयरपोर्ट की मुकम्मल ट्रांसपोर्ट, वहाँ की रहायश, ट्रांसपोर्ट, ज़्यारात ऐसे नहीं कि सिर्फ निशानदेही। अलहमदिल्ला हमारे जो वहाँ पे स्टाफ होता है वो बाकायदा जो ज़्यारात कराई जाती हैं उसकी कुरान सुन्नत के हवाले से उसकी सारी तफसील ग्रहण करते हैं। और उसकी यानी कि आपका जो जाने का मकसद अलहमदिल्ला वो पूरा होता है हमारे साथ। तो अलहमदिल्ला हमारा माटो यही है कि हमने उमरा बेचना नहीं है, उमरा कराना है। और अलहमदिल्ला हमारे तरफ से उमरा पे जाने वाले अलहमदिल्ला हर बंदा इस चीज़ को एग्री करता है कि हम उमरा बेचते नहीं, उमरा कराते हैं। ठीक है सर, हमारा अगला ग्रुप इंशाल्लाह 10 दिसंबर को रवाना होगा। उसकी तमाम सहूलियात चौ सदन शाह से एयरपोर्ट की ट्रांसपोर्ट शामिल होगी पैकेज में। वहाँ पे नज़दीक तीन रहायशों में म्यारी रहायशों में इंशाल्लाह क़याम होगा। मक्का और मदीना की ज़ियारत मुफ्तियान कराम की ज़ेर निगरानी होगी। और उमरा जो वो मुफ्ती साहब साथ होकर उमरा कराएँगे, आपको उमरा के मतलब तमाम मसाइल के बारे में आगाह किया जाएगा और सुन्नत तरीके से अलहमदिल्ला उमरा कराया जाएगा।